हाय गाइस, काफ़ी टाइम से आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से जो ये पूछ रहे थे कि मैम यूपी पीटी का जो पेपर होगा उस पेपर के अंदर हमें कितना टाइम का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। तो हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखा करिए कि जब आप करंट अफेयर्स की बात करते हो तो करंट अफेयर्स में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इस तरीके से। तो आपके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, और एटलीस्ट 2 साल के जितने समिट्स हैं, जितने स्पोर्ट्स प्लेयर न्यूज में रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिया के साथ में साइन हुआ है, या फिर सपोज करो कि कोई अपॉइंटमेंट हुआ है जो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, या किसी के टेन्योर को इंक्रीज किया गया, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत ज्यादा आपको मिलते हैं। तो कम से कम आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो अप्रॉक्स आप एक एस्टिमेशन लेके चलो कि कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, और इन सब चीजों के रिविजन के साथ में नया करंट अफेयर्स आपको मिलता है सुबह 7 बजे ओनली ऑन वाइपर स्टडी स्टूडियो चैनल।